सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज योर होस्ट साइनिंग इन 90x डेडलाइन। तो मिस्टर कल्याण चौबे AIFA प्रेसिडेंट कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ 50 दिन के अंदर अंदर उन्होंने AFC प्रेसिडेंट शेख सलाम बिन इब्राहिम अल खलीफा एंड AFC जनरल सेक्रेटरी दत्तुक सेरी वाइनसन जॉन के साथ AFC हाउस कुआलालंपुर में एक मीटिंग हेल्ड कर लिया है, जहां AIFA सेक्रेटरी जनरल मिस्टर साजी प्रभाकरन भी नजर आए थे। और इस मीटिंग के दौरान इंडियन फुटबॉल का पोटेंशियल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया है। इसके अलावा AIFA की ओर से AFC को ये रिक्वेस्ट भी किया गया कि AFC यहाँ पर AIFA के लिए 5 कोचेस इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेंड करें, ताकि वो अपने इंडियन कोचेस को उनका एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प कर सके। और AIFA का ये जो प्रपोजल है, ये डायरेक्ट AFC प्रेसिडेंट ने यहाँ पर टेक्निकल डायरेक्टर एंडी रॉक्सबर्ग को रेफर कर दिया है। एंड AFC अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो AIFA की ओर से ऑल इंडिया ओवर 50 कोचेस को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। साथ में गए मिस्टर कल्याण चौबे फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ मलेशिया के साथ भी एक मीटिंग हेल्ड किया है, जहां पर उन्होंने मलेशियन AFA को ये रिक्वेस्ट किया है कि 31 अगस्त को मलेशियस इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन के थ्रू जो मार्डिका कप आयोजित किया जाता था, उसे एक बार फिर रिवाइव करके इंडिया को भी वन ऑफ द इन्वाइटेड कंट्री का लिस्ट में शामिल किया जाए। और गाइस ये वही मार्डिका कप है जहाँ इंडिया 1959 एंड 1964 में रनर्स अप थे। उसके बाद गाइस अगर ISL के बारे में कुछ बात किया जाए तो धीरज सिंह, जिनको लास्ट मैच में हेड इंजुरी के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उनको सारे स्कैन्स क्लियर होने के बाद सही सलामत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो FC गोवा एंड उनका फैंस के लिए ऑब्वियसली एक राहत की साज है। नेक्स्ट गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, तो इन्होंने यहाँ पर 26 ईयर्स ओल्ड इंडियन मिडफील्डर रूपर्ट नंगरूम को बतौर फ्री एजेंट कम्प्लीटली साइनिंग कर लिया है, जिन्होंने इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट के लिए खेल चुका है और लास्ट 2 सीजन से ये राउंड ग्लास पंजाब FC के लिए खेल रहा था। और मैं यही कहूंगा कि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बढ़िया साइनिंग होने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली इनका जो परफॉर्मेंस है वो आई लीग में पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर नजर आए हैं। इसके अलावा गाइस बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC यहाँ पर जनवरी ट्रांसफर विंडो से पहले सिल्वेस्टर इकबाउन रिप्लेसमेंट को साइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इकबाउन ऑलरेडी उनके साथ डिपर्चर हो चुका है, जिसका रीजन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर बिल्कुल पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC यहाँ पर विदाउट ट्रांसफर विंडो भी नॉन कॉन्ट्रैक्टेड फॉरेनर को साइनिंग कर सकते हैं। और हाइलैंडर्स के लिए अच्छी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के मैनेजमेंट ऑलरेडी एक बेहतर नॉन कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्राइकर को सर्च करना शुरू कर दिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो साइनिंग आउट एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।